दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका है, सरकार बन चुकी है और अब कल के बाद जो नए सांसद बने हैं वो शपथ ग्रहण भी करना शुरू कर देंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, अब लोकसभा सेशन शुरू हो जाएगा 25 जून से, उस तक पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। लेकिन इस चुनाव के साइड इफेक्ट लगातार सामने आ रहे हैं और चुनाव के साइड इफेक्ट सामने आया ही करते हैं हमेशा। इस बार इस चुनाव के परिणाम के जो साइड इफेक्ट हैं कुछ अजब गजब रंग के हैं। चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों के अंदर जो जनता ने चुनाव परिणाम दिए थे वो कुछ हटके थे। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने चला हूँ लोकसभा चुनाव के परिणाम के साइड इफेक्ट की ही, और वो साइड इफेक्ट है फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव का। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के कैंडिडेट के चुनाव हारने के बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करने चला हूँ एक और नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला था, करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाओं और अफवाहों के बाजार आजकल लगातार गर्म है। करण सिंह दलाल के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर के लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कुछ ऐसे इशारे करती है कि जैसे लोग करण सिंह दलाल के बारे में कुछ अलग प्रकार की धारणाएं बना रहे हैं। मेरे पास भी न केवल पलवल, न केवल फरीदाबाद, बल्कि पूरे हरियाणा से अलग अलग स्थानों से लोग पूछते हैं कि करण सिंह दलाल का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि करण सिंह दलाल के जिस प्रकार के बोल हैं वो लोगों को कई भ्रम में डालते हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूं करण सिंह दलाल जी को और उनकी राजनीति को, उनके पॉलिटिकल अंदाज को, उसके लिहाज से अगर मैं आपको एक संस्कृत का या हिंदी का एक पुराना मुहावरा वो आपको दोहरा दूं कि इनको कोई ठोर नहीं और उनको कोई और नहीं, ये हिंदी की कहावत है, हिंदी का मुहावरा है। पूरी इसकी व्याख्या करूँगा, पूरा वर्णन करूँगा आपसे इस वीडियो में। लेकिन आप इस बात को करण सिंह दलाल और कांग्रेस से और पलवल विधानसभा को लेकर यूँ जोड़ लें कि कांग्रेस के लिए कोई और नहीं और करण सिंह दलाल के लिए कोई ठोर नहीं। दोस्तों, करण सिंह दलाल के बारे में आपको बता दूँ कि करण सिंह दलाल ने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो शुरू किया था वो कांग्रेस से ही किया था। 1987 से पहले यानी कि 80 और 90 वाला जो दशक था, उस दशक के दौरान में करण सिंह दलाल कांग्रेस के पदाधिकारी हुआ करते थे, प्रदेश के महासचिव हुआ करते थे, छात्र नेता हुआ करते थे। इससे पहले करण सिंह दलाल ने छात्र राजनीति की और छात्र राजनीति के बाद में पलवल के अंदर एक कॉलेज है, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, SD कॉलेज, पलवल का कदीमी कॉलेज कह सकते हैं इसको आप। उस कॉलेज की मैनेजमेंट की जो चुनावी रणनीति हुआ करती थी उसके अंदर भी करण सिंह दलाल और पूरा दलाल परिवार शामिल रहा। जो पलवल को जानते हैं, पलवल के बारे में जानते हैं, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि उस SD कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन में किस प्रकार का टकराव हुआ था। खैर, 1991 का चुनाव आया तो उस चुनाव के अंदर करण सिंह दलाल हरियाणा विकास पार्टी से कैंडिडेट हुए और हरियाणा विकास पार्टी भी कांग्रेस से निकली हुई एक पार्टी थी। चौधरी बंसीलाल इसके मुखिया थे। चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर के हरियाणा विकास मंच और फिर हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। करण सिंह दलाल तो चौधरी बंसीलाल के इतने नज़दीक नहीं थे। करण सिंह दलाल के बड़े भाई स्वर्गीय चौधरी मेहरचंद दलाल, वो बहुत नज़दीक थे चौधरी बंसीलाल के। हालांकि मेहरचंद दलाल कभी पॉलिटिकल ग्राफिक के अंदर सामने तो नहीं आई, राजनीतिक सिनेरियो तो उनका नहीं रहा, लेकिन जो जानते हैं पलवल के बारे में या जो राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि मेहरचंद दलाल की कौन सी भूमिका थी। खैर, 1991 में करण सिंह दलाल चुनाव लड़े हरियाणा विकास पार्टी से और चुनाव में अलायंस था जनता दल, रामविलास पासवान और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ। वो चुनाव था 1991 का चुनाव था चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ। जो कैंडिडेट मजबूत थे उनको लोगों ने जिता दिया, करण सिंह दलाल पलवल से चुनाव जीत गए, कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव हार गए, सरकार कांग्रेस की बनी। और 1991 में पहली बार विधायक बनते ही करण सिंह दलाल का जो अंदाजे राजनीति था वो इस प्रकार का था कि उनको वो राजनीति के अंदर लगातार हाइप देता चला गया। 1996 का चुनाव फिर लड़े हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर करण सिंह दलाल, विधायक बने, चौधरी बंसीलाल सरकार में मंत्री बने। करण सिंह दलाल चौधरी बंसीलाल के लिए कहा करते थे कि वे उनके पिता के समान हैं और करण सिंह दलाल खुद को कहते थे कि वो चौधरी बंसीलाल के तीसरे बेटे हैं।
सुरेंद्र सिंह और रणबीर सिंह महिंद्रा के अलावा खुद को तीसरा बेटा मानने वाले करण सिंह दलाल ने चौधरी बंसी लाल की जो वजारत गई, चौधरी बंसी लाल की सरकार गिरी, उसके अंदर करण सिंह दलाल भी एक मेन किरदार थे, मुख्य भूमिका थी उनकी भी। सरकार टूट गई चौधरी बंसी लाल की, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए भाजपा के समर्थन से। करण सिंह दलाल हालांकि इनेलो में शामिल तो नहीं हुए थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की शान में कसीदे खूब पड़े थे करण सिंह दलाल ने। वो दौर था 1999 और 2000 के चुनाव का। 2000 का विधानसभा चुनाव आया, टिकट करण सिंह दलाल को भाजपा का मिला नहीं और भाजपा छोड़ करके RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, प्रकाश अंबेडकर की, रामदास अठावले की पार्टी, उससे चुनाव लड़े करण सिंह दलाल, चुनाव जीत गए। RPI से विधायक बनने के बाद करण सिंह दलाल ने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उनसे खूब टकराव किया, खूब पंगा लिया। वो दौर था जब करण सिंह दलाल के परिवार पर मुकदमे भी बने। करण सिंह दलाल ने खूब पंगा लिया ओम प्रकाश चौटाला से, चौटाला सरकार से। जेल जाना पड़ा करण सिंह दलाल के परिवार के लोगों को, मुकदमे बने, मुकदमों में जेल गए। और इधर करण सिंह दलाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर के ओम प्रकाश चौटाला की सरकार, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक अपनी चार्जशीट भी तैयार की, यानी कि मुख्य भूमिका में करण सिंह दलाल फिर आ गए। और उसके बाद में वो चले गए कांग्रेस में। 2004 का चुनाव, 2005 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा और फिर विधायक बने, मंत्री नहीं बने, सरकार में कोई मौका नहीं मिला, मंत्री चौधरी बंसी लाल नहीं बनाया बस सिर्फ। 2005 से लेकर के और 2009 का जो चुनाव हुआ, उस सब चुनाव के दौरान तक करण सिंह दलाल कांग्रेस के विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, लेकिन करण सिंह दलाल को कोई विशेष पावर नहीं मिली थी। और उसके बाद वो दौर आया जब अवतार सिंह भड़ाना से 36 का आंकड़ा हुआ, भड़ाना के खिलाफ उन्होंने का दलाल ने काम किया, तो करण सिंह दलाल को जब टिकट मिला 2009 का विधानसभा चुनाव का, तो उस चुनाव के अंदर करण सिंह दलाल को शिकस्त मिली, हार गए चुनाव सुभाष चौधरी से, पहला चुनाव हारे। चार बार विधायक बनने के बाद 2009 का चुनाव हार गए। 2014 में फिर कांग्रेस ने टिकट दिया करण सिंह दलाल को, सामने BJP के दीपक मंगला थे, करण सिंह दलाल चुनाव जीत गए, फिर से चुनाव जीत गए 2014 का। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, प्रदेश में सरकार बनी BJP की, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुए। 2014 से और 19 तक करण सिंह दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधानसभा में उनकी आवाज़ खूब चलती थी। 2019 के चुनाव में वो फिर उनको टिकट मिला कांग्रेस का, चौथी बार चुनाव फिर लड़े, लेकिन अब की बार बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए। 2024 के इस चुनाव के अंदर, हालांकि 2019 के चुनाव में भी करण सिंह दलाल कांग्रेस से लोकसभा का टिकट चाहते थे, मिला नहीं। 2019 में उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, तो अब 2024 के चुनाव में भी उन्होंने लोकसभा टिकट के लिए पूरी तैयारी की। कांग्रेस के सर्वे में भी करण सिंह दलाल का नाम ठीक ठाक गया। कांग्रेस ने टिकट महेंद्र प्रताप सिंह को दिया, महेंद्र प्रताप चुनाव हार गए। और करण सिंह दलाल के इस समय जिस प्रकार के बोल चल रहे हैं, वो बोल ही इस वीडियो बनाने के लिए, मुझे आपको बताने के लिए कि करण सिंह दलाल का पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, मैं आपके बीच आया हूँ। ये सारा करण सिंह दलाल का इतिहास था। अब आपको बता दूं कि करण सिंह दलाल के लिए, जो मैंने आपसे कहा था वीडियो शुरू करते हुए कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए कोई और नहीं है और करण सिंह दलाल के लिए कोई ठौर नहीं है, इस चुनाव के अंदर यानी कि चुनाव होने के बाद से एक प्रेस मीडिया के साथ बातचीत की पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी हैं। सुभाष चौधरी वो नेता हैं जिन्होंने कि कांग्रेस ज्वाइन किए बिना इस चुनाव में महेंद्र प्रताप का साथ दिया। वो उनका कांग्रेस के प्रति प्रेम था, या कृष्णपाल गुर्जर के साथ उनकी लड़ाई थी, या भाजपा के साथ उनकी अदावत थी, और या फिर उनका महेंद्र प्रताप चौधरी के साथ में भड़ाना पूरी वाला प्रेम, कुछ भी कहें, सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप का साथ दिया इस चुनाव के अंदर। चुनाव के अंदर महेंद्र प्रताप को पलवल विधानसभा में वोट मिले लगभग 69-70 हज़ार के आसपास। करण सिंह दलाल के मुकाबले सुभाष चौधरी ने दावा कर दिया कि जो वोट मिले हैं वो मैंने दिलवाए, करण सिंह दलाल का कोई रोल नहीं है। जवाब करण सिंह दलाल ने भी दिया एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में। सुभाष चौधरी की बात तो कोई खास तवज्जो नहीं दी उन्होंने, लेकिन उनका जो पुराना अंदाज है, जो इस लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार कहा, कांग्रेस के जो हरियाणा शीर्ष नेतृत्व है, देश का नहीं हरियाणा का, उस पर उन्होंने खूब उंगलियाँ उठाई। कांग्रेस के जो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर जो दूसरे गुट के नेता हैं,
उनके लिए उन्होंने तमाम प्रकार की बातें कही जो उनका अंदाजे बयां है, छुट भैया नेता कहना, और उनके लिए तमाम प्रकार की उन्होंने बातें कही। लोगों के बीच में बात चल पड़ी कि क्या करण सिंह दलाल कोई दूसरा रास्ता खोज रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चाएं चलनी शुरू हुई कि क्या करण सिंह दलाल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अगर जिस प्रकार का करण सिंह दलाल का राजनीतिक इतिहास रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं तो करण सिंह दलाल कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। करण सिंह दलाल को कांग्रेस का ही कैंडिडेट बनाया जाएगा। मैंने इसलिए कहा था कि कांग्रेस के पास कोई और नहीं है। पलवल विधानसभा क्षेत्र की स्थिति कुछ ऐसी है कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में करण सिंह दलाल ने कांग्रेस के अंदर कोई और बड़ा नेता या छोटा नेता कांग्रेस के अंदर उभरने नहीं दिया। कोई भी नेता कांग्रेस के अंदर पलवल विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है कम से कम जो टिकट की दावेदारी करे और विधानसभा चुनाव लड़ सके और ये दावा कर सके कि वो चुनाव में जितवा देगा। दूसरी बात, करण सिंह दलाल बड़ी भली प्रकार जानते हैं और उन्होंने एक बार जा करके देख भी लिया था भारतीय जनता पार्टी में। और वर्तमान का जो समय है, बीजेपी के अंदर ऐसे कई नेता हैं कि जो अपनी पार्टी, मूल पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और उनका पॉलिटिकल करियर, उनका जो राजनीतिक उत्थान था, कंप्लीट ठप हो गया। भले ही एक आध बार वो विधायक या सांसद तो बन गए हों लेकिन नेता नहीं बन पाए। और करण सिंह दलाल वो शख्सियत हैं जिनको नेता बनने का ज़्यादा शौक है। इलाके की बात, चौधर की बात करने वाले नेताओं में करण सिंह दलाल शुमार हैं। और जहाँ तक बात कांग्रेस से उनको चुनाव लड़वाने की आती है, तो मैंने कहा था ना कि कांग्रेस के पास कोई और नहीं। उसके पीछे आप यूँ कुछ यूँ मान के चलें कि कांग्रेस ने भले ही लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर कर लिया हो, भले ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीत भी ली हों, लेकिन फरीदाबाद की स्थिति कुछ अलग है। फरीदाबाद की स्थिति ऐसी है कि एक सीट हथीन की, उसके अलावा आप प्रथला में लगभग 6-7 हज़ार वोट से जीते और होडल के अंदर कांग्रेस जीती लगभग 500 वोट से। पलवल के अंदर 25,000 वोट से चुनाव हारी कांग्रेस। ऐसे में जबकि 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस के सामने भी चुनौती है हरियाणा के अंदर चुनाव जीतने की, तो उस स्थिति में कांग्रेस भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहेगी। कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जाएं जो चुनाव जीत करके विधानसभा के अंदर जाकर कांग्रेस की नफरी बढ़ा सकें। वैसे आपको क्या लगता है कि जो करण सिंह दलाल के जिस प्रकार के आजकल बोल हैं, क्या उनका राजनीतिक स्टाइल है या उनके मन में कुछ और पक रहा है? आपको क्या लगता है, जो मैंने कहा कि पलवल में कांग्रेस के लिए कोई और नहीं और करण दलाल के लिए कोई ठौर नहीं, ये कहां तक ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।